हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कितने ही दिनों से फेसबुक और ट्विटर वायरल हो रहे हैं कि इनको बैन किया जा रहा है। मैं आपको बैन होने का कारण बता देता हूँ। फरवरी में हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइंस जारी की थी फेसबुक और ट्विटर के लिए। वो गाइडलाइंस क्या थी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि फेसबुक और ट्विटर कुछ अनवांटेड चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट कर रहा था, इस वजह से इंडिया गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की थी। और मैं आपको बता देता हूँ उस गाइडलाइंस का आज लास्ट डेट है। अगर जो आज गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया तो ट्विटर और इंस्टाग्राम इंडिया से बैन हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी खबर है आज की, मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ आज लास्ट डेट है, इस वजह से ये बहुत वायरल हो रही है। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर कितनी वायरस की तरह फैल रही है ये खबर। ट्विटर पर भी ये चीज ट्रेंड कर रही है कि फेसबुक और ट्विटर को बैन किया जा रहा है। और मैं आपको बता देता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस जारी की थी अभी तक यूट्यूब और फेसबुक के लिए, तो वहां से अभी तक कोई रिवर्ट नहीं आया, जिस करके आज लास्ट डेट है। तो देखते हैं, अभी वेट कर लेते हैं शाम तक का, क्या हमारी गवर्नमेंट एक्शन लेती है और क्या मतलब सच में ही ये बैन हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, बहुत लोगों के इससे बिजनेसेस भी बंद हो सकते हैं, बहुत लोगों के इसमें करियर भी बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि ये भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और मैं आपको बता देता हूँ, फेसबुक और ट्विटर ये बहुत ट्रस्टेड, दोनों के दोनों ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, जिस पे लोग ट्रस्ट करते हैं। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हर कोई वहाँ पर हर किसी ने वहाँ पर अपना अकाउंट बना हुआ है और वहाँ पर उनको ब्लू टिक भी मिला हुआ है। कितने भी अगर जो मैं अलग अलग टारगेट की बात करूँ, अगर जो मैं पॉलिटिशियंस की बात करूँ, वहाँ पर मोदी जी का अकाउंट है और भी बहुत सारे, अमित शाह जी का अकाउंट है और योगी जी का अकाउंट है। जो मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है जब हमें कुछ चीज़ अनाउंस करनी है, हम लाइव नहीं आ पाते क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें समय लग जाता है और वो ऑन द स्पॉट उसको न्यूज़ को देना होता है। और मैं आपको बता देता हूँ, जैसा मोदी जी का अपनी अनाउंस कर देते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इस डेट में मैं करने वाला हूँ, और यही पूरा मतलब ट्विटर पे लिख देते। तो आपने बहुत सारी खबर भी देखी है, इसको हमें ट्विटर से पता चला है कि पीएम मोदी का यहां से यहां तक का दौरा है। और इसी तरह बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके ट्विटर पर सभी के अकाउंट्स हैं और वहां पर वे अपनी जानकारी देते हैं कि वो अभी क्या कर रहे हैं, क्या वो नेक्स्ट स्टेप लेंगे। तो वो जो है कंट्रोवर्सी में फंसते हैं तो वो ट्विटर पे ही उनको जवाब देते हैं। तो ट्विटर भी बहुत एक मतलब ट्रस्टेड एप्लीकेशन है जिसको लोग मिलियंस में लोग यूज़ कर रहे हैं, बिलियंस में लोग यूज़ कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर कोई ट्विटर पे बहुत फेथ करता है और ट्विटर को एक अच्छी एप्लीकेशन मानता है कि भाई ये ट्रस्टेबल है, यहाँ पर कोई भी गलत कॉन्टेंट नहीं आता। लेकिन इंडिया गवर्नमेंट ने कुछ गलत कॉन्टेंट देखने की वजह से ये गाइडलाइंस जारी की थी फरवरी में, और आज उसका लास्ट डेट है, जो कि अभी तक वहाँ से कोई रिवर्ट नहीं आया। अगर वहां से कोई रिवर्ट नहीं आया आज की डेट में, तो हो सकता है ट्विटर को भी बैन कर दिया जाए। जैसा मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से बैन हो सकता है, क्योंकि यहां पर ये एक ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है। अगर जो मैं अपने ओपिनियन दूं तो ये मुझे नहीं लगता है बैन किया जाएगा ट्विटर और फेसबुक। इसी तरह फेसबुक की मैं अगर जो बात करूं, वहां पर भी ब्लू टिक्स मिलते हैं सबको, वहां जितने भी सेलिब्रिटीज हैं इमेजेस को पोस्ट करते हैं, अपने हेयर स्टाइल को, मतलब वहां से बहुत लोग बिजनेस ले रहे हैं। अगर देखा जाए तो अगर जो दोनों को बैन कर दिया जाए, अभी किया नहीं है, मैं मतलब बिल्कुल बता नहीं रहा हूँ कि बैन कर दिया गया, मैं ये जस्ट सपोज कर रहा हूँ। अगर जो कर दिया जाएगा तो इंडिया को बहुत नुकसान हो सकता है, अगर जो ट्विटर और फेसबुक को बैन कर दिया है तो इंडिया को बहुत नुकसान हो सकता है। तो अभी वेट करते हैं हम शाम का और देखते हैं हमारी गवर्नमेंट क्या निर्णय लेती है इंस्टाग्राम और ट्विटर को बैन करने का।